जबलपुर वीओ। जबलपुर उपनगरीय क्षेत्र रांची स्थित लाल लाजपत राय वार्ड अंतर्गत मानेगांव तालाब में मिल रहा नालों का गंदा पानी के विरोध में व मानेगांव में पीने के पानी की किल्लत को लेकर नवनिर्मित पानी की टंकी चालू किए जाने को लेकर यादव महासभा द्वारा तालाब के पास धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते हुए मांग की गई। इस प्रदर्शन में यादव महासभा के शिव यादव, पार्षद राजेश यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन के दौरान शिव यादव ने कहा कि मानेगांव में स्थित प्राकृतिक तालाब में बस्तियों का गंदा पानी नालों के माध्यम से मिल रहा है, जिससे तालाब दूषित हो रहा है, जिसको लेकर यहां के मौजूदा विधायक को भी अवगत कराया गया है। साथ ही यहां की पुलिया भी क्षतिग्रस्त है, जिससे यहां आने जाने वाले राहगीर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वहीं सबसे ज्यादा किल्लत यहां क्षेत्रीय जनों को पीने के पानी की है, जबकि निगम प्रशासन द्वारा एक वर्ष पूर्व ही टंकी का निर्माण करा लिया गया, उसके बावजूद क्यों पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, ये सभी के परे है। जबकि अनेकों बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है, आज भी तहसीलदार को ज्ञापन के माध्यम से इन मांगों को पूर्ण करने के लिए अवगत कराया गया है। अगर आगे इन मांगों पर काम नहीं होता है तो उग्र आंदोलन होगा। कल से चालू होगा जो यहाँ पे तालाब के जो दो नाले होंगे, गंदे नाले जो कि लोगों के घरों के मलमूत्र होंगे, इस नाले में आके, इस तालाब में आके मिलते हैं। हमारी और नानक नगर से एक पुलिया है जो कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रास्ते से वहाँ से लोगों को आने जाने का रास्ता है, वो पुलिया क्षतिग्रस्त है। ये दोनों बिंदु को लेकर आदरणीय शिव यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना दिया और ये मांग है कि जो इसमें गंदे नाले आके मिल रहे हैं, जो कि ये तालाब है, तालाब के बीच में एक मंदिर भी बना हुआ है, तो हमारी ये शासन प्रशासन से मांग है कि वो नाला जो इस तालाब में आके वो नाला मिल रहा है, वो नाला बंद हो, क्योंकि आस्था का प्रतीक है, जल ही जीवन है, जल से हम लोग जीते हैं और जल को ही अगर स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे। शासन प्रशासन से हम लोग की ये मांग है कि अगर इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया, भलाई अभी धरने का जो भी है तो अभी शासन प्रशासन ने पहले अनुमति दी थी, फिर अनुमति कैंसिल कर दी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग आने वाले समय में अगर हम लोग का ये जो भी हम लोग की मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी समय अवधि के बाद अगर ये पूरा का पूरा काम जो है, यहाँ से गंदे नाले बंद नहीं होते हैं, वो पुलिया बनती नहीं है, वो पानी की टंकी चालू नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट चालू नहीं होती है, और आवास योजना के अंतर्गत जो धांधली चल रही है, जो मुँह देखा लोगों को जो है वो मकान आवंटित करा रहा है, लेकिन जो ये एक्चुअल हितग्राही है, एक्चुअल जो पात्र है वो वंचित रह जा रहा है, अगर इसमें निष्पक्षता से काम नहीं होता तो पुनः हम पूरी ताकत के साथ यहाँ पर फिर आंदोलनरत होंगे और एक एक मांग को लोक हित में जो है वो मनवाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हो सकता है कि आज कुछ समय बाद जब अधिकारियों से हमारी बात हो तो ये बात बन जाए। पोस्टर न्यूज के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।